नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मिशन रोशनी के अंतर्गत प्रत्येक माह की 26 तारीख को हनुमान टोरिया में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जाता है और उसमें समाज के तमाम लोग अपना सहयोग करते हैं। इस बार का नेत्र शिविर स्वर्गीय अशोक असाठी की स्मृति में लगाया गया और लगभग 300 मरीजों ने इसका लाभ लिया। आयोजन समिति के गिरजा पाटकर ने बताया कि शिविर का शुभारंभ समाजसेवी राधेलाल असाठी ने भगवान हनुमान के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुणेंद्र पयासी और डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने 3 सैकड़ा से अधिक नेत्र रोगियों की जांच की और मोतियाबिंद के 50 मरीज चिन्हित किए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा गया है। शिविर के सहयोगी शिवांग कसाटी ने स्वयं मरीजों के पर्चे बनाए और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। मिशन रोशनी के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के लिए एक दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन प्रति माह की 26 तारीख को हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर आयोजित किया जाता है। उसी क्रम में ये 12वें वर्ष का 5वां शिविर है और यह शिविर स्वर्गीय अशोक असाठी की पुण्य स्मृति में उनके चाचा राधेलाल असाठी और पुत्र शिवांक असाठी के विशेष सहयोग से ये शिविर आयोजित किया गया था और इस शिविर में 250 मरीजों के पंजीयन हुए हैं और अभी तक 30 मरीजों के मोतियाबिंद हेतु चिन्हित किए गए हैं। इन मरीजों को चित्रकूट सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट ले जाया जाएगा, जहां उनका ऑपरेशन होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं, नेक्स्ट अगली 26 को पुनः ये शिविर आयोजित किया जाएगा